भारतीय ग्राहक खुशी का समय आ चुका है। अगर 2 से 3 लाख रुपए के बजट के साथ एक गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं, तो टाटा मोटर्स आप सभी की फेवरेट कार कंपनी आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है अपना शानदार तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी भारतीय ग्राहकों के लिए और आम आदमी की पहली पसंद गाड़ी टाटा नैनो का नया अवतार अब कम कीमत के साथ एक नए नाम के साथ एक नए अवतार में लॉन्च होने वाला है। जिस गाड़ी का आप दोस्तों लंबे समय से इंतजार की कर रहे थे, आखिरकार आपकी इंतजार की घड़ी अब कुछ ही महीनों में खत्म होने वाली है। इस गाड़ी को कंपनी अपने सबसे नए मॉडल पर तैयार कर रही है। ये गाड़ी रतन टाटा जी की सबसे फेवरेट गाड़ियों में से एक है, इसलिए कंपनी इस गाड़ी का नया मॉडल फिर से भारतीय सड़कों पर लेकर आ रही है। वहीं पुराने नाम टाटा नैनो के साथ पर एक नए डिजाइन के साथ, जो कि इस बार पहले से बड़ा, बेहतर और दिखने में काफी ज्यादा दमदार होने वाला है, जो कि भारतीयों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। और सबसे जबरदस्त बात बताई जा रही है गाड़ी की कीमत। कंपनी ने इसे वही पुरानी कीमत के साथ एक नए अंदाज में लॉन्च करने वाली है, जो कि हर आम आदमी अब अपनी गाड़ी लेने का सपना पूरा कर सकेगा, वो भी शानदार महंगाई के मौके पर। इस गाड़ी की शुरुआती एक शोरूम कीमत 2 से 3 लाख रुपए एक शोरूम बेस मॉडल कंपनी तय कर सकती है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में लॉन्च होते ही सारी गाड़ियों में धमाका मचाने वाली है। साथ ही साथ कंपनी ने इस गाड़ी को अपने सबसे न्यू प्लेटफॉर्म पर बनाया है, जिससे ये गाड़ी साइज में बड़ी और दिखने में इस बारी काफी ज्यादा दमदार और स्पोर्टी लुक में आएगी, जो कि रोड पे चलते हुए आपको एक माइक्रो एसयूवी की फील दिलाएगी, क्योंकि आजकल भारतीयों को एसयूवी का चलन काफी ज्यादा चल गया है। इसलिए इस गाड़ी में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी का लुक और एक शानदार फील भी देखने को मिलेगी, जो कि इस बार भारतीयों को दीवाना तो बनाएगी, साथ ही साथ इस गाड़ी को खरीदने में मजबूर भी करने वाली है। ये गाड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर में लॉन्च होते ही धमाकेदार एंट्री करने वाली है। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो गाड़ी के साइज को बढ़ाते हुए इस बारी ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़े व्हील बेस के साथ लेकर आया जाएगा। इसमें इंजन में आपको इस बारी फ्रंट साइड में देखने को मिलेगा, जिससे गाड़ी को एक माइक्रो एसयूवी डिजाइन दिया गया है। गाड़ी के फ्रंट को स्पोर्टी अंदाज में डिजाइन करते हुए इसमें आपको टाटा की नई सिग्नेचर क्रोम ग्रिल, टाइगर नॉच ग्रिल और शानदार प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप डीआरएल्स के साथ नजर आएंगे। साथ ही इसमें आपको नीचे की तरफ इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स गाड़ी के फ्रंट को एक स्पोर्टी और एक शानदार प्रीमियम फ्रेश लुक दे रहे हैं। रेयर साइड पे आपको एल शेप डिजिटल एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप, साइड टर्न इंडिकेटर्स और टाटा नैनो की बड़ी सी क्रोम बैजिंग नजर आएगी। साइड प्रोफाइल में आपको ब्लैक कास्केडिंग और 12 से 13 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जो कि गाड़ी के लुक में चांद चांद डाल रहे हैं। ये गाड़ी रूफ रेस, कई जगह डुअल टोन कलर ऑप्शंस, स्पोर्टी ग्राफिक्स और एक कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी डिजाइन में आएगी, जो कि रोड पे चलते हुए भारतीयों को काफी ज्यादा मुड़ने पर मजबूर करने वाली है। साथ ही अगर हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये गाड़ी इस बारी काफी ज्यादा स्पेशियस और बेहतर लेगरूम के साथ ज्यादा बूट स्पेस में आएगी। इसमें आपको 5 सीटर फुल्ली लेदर इंटीरियर देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑटोमेटिक सीट बेल्ट रिमाइंडर, एडजस्टेबल सीट समेत कई सारे फीचर लोडेड से नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, गाड़ी में आपको एक सेंटर कंसोल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है डैशबोर्ड पर, जो कि 15 इंच की टच स्क्रीन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, नेविगेशन, यूट्यूब समेत कई सारे फीचर्स से लोडेड रहेगा, जो आप टच स्क्रीन और अपने स्मार्टफोन के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ये गाड़ी कंपनी के लेटेस्ट पावर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक एसी और JBL के साउंड सराउंड सिस्टम के साथ आने वाली है। साथ ही इस गाड़ी में आपको 2 कैमरा गाड़ी के फ्रंट और रियर में, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 6 एयरबैग समेत ABS और EBD सेफ्टी फीचर्स से लोडेड रहेगी, जो कि गाड़ी को सेव और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आपके सफर को प्रीमियम क्वालिटी इंटीरियर से लैस रख पाने में मदद कर रही है। वही अंत में आते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस में, तो दोस्तों इस गाड़ी में इस बारी कंपनी 2 नए वेरिएंट लेकर आ रही है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में धमाका मचाने वाले हैं। ये गाड़ी कंपनी के नए क्रायोटेक पेट्रोल 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो कि 90 HP की पावर और 140 Nm तक का टॉर्क जनरेट कर पाएगी। इसमें आपको कंपनी फिटेड पेट्रोल पर CNG वेरिएंट भी मिलेगा, जो कि 30 से 40 KMPL तक का माइलेज आराम से दे पाएगा। साथ ही दूसरा वेरिएंट इलेक्ट्रिक रहेगा, जो कि एक चार्ज पर कंपनी दावा कर सकती है कि 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करवाने की क्षमता रखेगा। ये गाड़ी दोस्तों इस बारी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है और लॉन्च होते ही ये गाड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों धमाका मचा सकती है। इस गाड़ी का लॉन्च कुछ ही महीनों में कंपनी रिवील कर सकती है। अगर आपको भी ये गाड़ी पसंद आ रही है और आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, तो अपनी जगह का नाम हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, जितना हो सके आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।